हेलो गाइस, कमलेश इलेक्ट्रीशियन में वेलकम बैक है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हम लोग थ्री फेस पैनल के बारे में बताना चाहते हैं आपको। और थ्री फेस पैनल जो है हमारा, ये रेडीमेड कंप्लीट हम लोग बना के लाए हैं। पहले हम लोग क्या मॉडिफाई करते थे, खुद बनाते थे फर्नीचर में, नहीं तो प्लाई में कुछ में। तो हम क्या कि यहाँ पर जो है रेडीमेड कंप्लीट जो कंपनी से जो बन के आता है, वैसे तरीके से पैनल जो हम लोग बना के लाए हैं कंपनी से। और देखिए, आपको बताते हैं इसमें क्या क्या मेंशन है, उसमें ए टू जेड आपको रिव्यू बताने वाले हैं, और कैसे तरीके से अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और आपको समझाएंगे इसमें क्या क्या फ्यूचर है और क्या क्या क्वालिटी है। आपको लेके चलते हैं हमारे थ्री फेस जो पैनल जो बना हुआ है। और इलेक्ट्रीशियन वाले लोग के लिए ये जो टॉपिक है, अच्छे तरीके से आप समझ लेना, नहीं तो ये थ्री फेस पैनल जो है, क्योंकि बनाना पड़ता है बहुत जगह। तो हम क्या किए, आज रेडीमेड पैनल जो है इंस्टॉलेशन करेंगे। चलो आपको लेके चलते हैं हमारे पैनल पर। देखिए दोस्तों, ये हमारा थ्री फेस पैनल देख सकते हो। तो ये हमारा काफ़ी हेवी मटेरियल में बना गया है। और देखिए यहाँ पर हमारा क्या क्या इक्विपमेंट हमारे को चाहिए था रिक्वायरमेंट में, उस हिसाब से अपने को बनाया गया है। देखिए पहला हमारा जो है इंडिकेटर तीनों फेस का देख सकते हैं, आर वाई वी तीनों फेस का हमारा इंडिकेटर। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डिजिटल एम्पियर वोल्ट कैलकुलेट किलोवाट ये सब कुछ यहाँ पर बताएगा। और देखिए यहाँ पर सेट कर सकते हो। उसके बाद जी हमारे पास देखिए यहाँ पर चेंजवर स्विच है, दो पॉइंट का चेंजवर स्विच है हमारा, पहला नंबर दूसरा नंबर। एक में हम लोग मेन लाइन चलेंगे जो हमारा डोमेस्टिक लाइन रहता है, एक हम लोग जनरेटर में चलेंगे दूसरा नंबर पे। ठीक है, ये हमारा 63 एम्पियर का जो पैनल बॉक्स है, और पूरा ये 63 एम्पियर के हिसाब से बनाया गया है देख सकते हो। और देखिए यहाँ पर हमारा एक इक्विपमेंट है, यहाँ पर ये हमारा MCCB है, इसमें हमारा भी 63 एम्पियर का नहीं है, 100 एम्पियर का TPN है देख सकते हो, इसको MCCB भी बोलते हैं, और ये 100 एम्पियर का है। और कंपनी का देखिए मेंशन जो हमारा यहाँ पर कंपनी का नाम यहाँ पर बारकोड कर दिए हैं देख सकते हो, यहाँ पर कंपनी का नाम है। और उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर ये स्विच देखिए, यहाँ पर ये हमारा फेस सिलेक्टर बोलते हैं इसको, जो हमारा फेस जो है डिवाइडेड कट जाता है। तो हम तीन फेस जो हमारे एक फेस कटने से क्या होता है, यहाँ पर हमारा फेस जो है डिस्कनेक्ट करके अपन दूसरा फेस में लेंगे तो हमारा सप्लाई जो है हमारे घर पर पहुँच जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जैसे फेस सिलेक्टर है, तीनों फेस का 1 2 3 ठीक है, RYV, तो हमारे तीनों फेस का फेस सिलेक्टर बन गया। और इसको कहीं भी सेलेक्ट करना है तो कोई सा भी चैनल में लेना रहे, जैसे कि वन फेस कट गया तो दूसरा नंबर में फेस में लेके अपन यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा MCB पोल भी रेडीमेड कंप्लीट वायरिंग करके मंगवाएं। देखिए यहाँ पर MCB पोल है हमारा 32x4, तीनों फेस के लिए अपन AC के लिए यूज करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये चार पॉइंट का हमारा MCB पोल है, तो ये 32 एम्पियर का ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पर जो कंपनी है, आप देख रहे हो यहाँ पर LT कंपनी का है। और देखिए यहाँ पर चैनल जो है हमारा सिंगल पोल का MCB बॉक्स है, 16 16 16 10 का, देखिए 10 का भी है, 1 2 3 4 5 6 6 है हमारा 10 का, और 16 का हमारा 3 है, और 32 का है हमारा DP। देखिए यहाँ पर DP जो हमारा 4 है। और उसका वायरिंग आपको समझाते हैं, ये जो पैनल जो है हमारा 10 किलोवाट का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी यहाँ पर ले लेगा, क्योंकि ये पैनल जो है काफ़ी हेवी में बना गया है, और 10 KV का तो ये हमारा लोड कैलकुलेट करके ये बना गया है। तो आपको लेके चलते हैं, हम वायरिंग खोल के आपको बताते हैं। ये कोई भी इसको खोल नहीं सकेगा बिना चाबी का, तो यहाँ पर लॉक खोलते हैं अपन। और यहाँ पर लॉक पॉइंट है, देखिए लॉक खोल के दिखाते हैं आपको, देख सकते हो यहाँ पर जो वायरिंग पॉइंट है कैसे तरीके से इसको बना गया है ठीक है। देखिए कैसे तरीके से वायरिंग हुआ है, पहले तो हमारा इनपुट होगा MCCB में ठीक है, यहाँ पर हमारा MCCB है, तो इसमें जो हमारा पहले इनपुट होगा ये हमारा 3 पोल का MCB, देखिए पहला नंबर फेस दूसरा तीसरा ठीक है, RYV, तो तीनों फेस लग गया कनेक्ट हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा पॉइंट जाके ये आउटपुट लाइन है, ये आउटपुट आएगा यहाँ पर हमारा चेंजवर स्विच में, देख सकते हो यहाँ पर चेंजवर स्विच है, इसमें भी हमारा तीनों फेस का देखिए कोड वर्क है यहाँ पर RYV। तो यहाँ पर न्यूट्रल जो है हमारा डायरेक्ट EC में कनेक्ट होगा, यहाँ पर नहीं होगा, हम लोग चेंजवर में डायरेक्ट न्यूट्रल को लेके आएंगे कनेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा इनपुट हो गया, और उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, पहला नंबर हमारा लाइन में चलेगा, दूसरा वाला हमारा जनरेटर पे, तो ये हमारा कनेक्ट करेंगे जनरेटर पॉइंट। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आउटपुट में हमारा, देखिए आउटपुट में हमारा कहाँ बैठ गया है ये वाला, यहाँ पर आउटपुट से हमारा देखिए आउटपुट यहाँ पर है, सिटी कोयल यहाँ लगा हुआ है, सिटी कोयल भी है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, जो हमारे एम्पियर कैलकुलेट करेगा, सिटी कोयल तीनों फेस में लगा गया। उसके बाद देखिए यहाँ से कनेक्शन जो है हमारा रोटरी स्विच पे आया है, देखिए यहाँ पर रोटरी स्विच है हमारा तीनों फेस का, तो तीनों फेस में जो हमारा RYV कनेक्शन है देख सकते हो, यहाँ पर टेबिन जितना भी हुआ है, आर
वाई वी, तो हमारा तीनों फेस का जो है कनेक्ट होकर यहाँ पर तीनों में डिवाइडेड हो गया। उसके बाद देखिए आउटपुट गया यहाँ से हमारा, देखिए एल वन लिखा हुआ है, यहाँ पर पॉइंट है, ये आउटपुट का पॉइंट नहीं है ये वाला। उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पर आउटपुट पॉइंट जो हमारा यहाँ गया है बस बार पे, यहाँ पर बस बार भी बना गया है, काफ़ी छोटा सा जगह में इसको सेटल करके दिया गया है कंपनी वाले ने, देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा जगह में अपने को सेटल साइज इसमें हो गया। नहीं तो यहाँ पर पैनल जो बनता है हमारा काफ़ी बड़ा साइज का बन जाता है, वहाँ पर जगह नहीं रहता, तो हम इसमें इसको पहले पैनल का जगह जो है इसको नापे, उसके बाद जो है सेटल करके इस हिसाब से इसको बनाया गया। और देखिए यहाँ पर बस बार है हमारा ब्लैक न्यूट्रल का, हमारा आर वाई वी का तीनों फेस का। उसके बाद आपको बताएंगे यहाँ से हमारा कनेक्शन जो है एमसीबी पोल पे आया, कैसे तरीके से इसको लाया है आपको बताते हैं। देखिए इसको हम लोग ओपन करते हैं एमसीबी वाला पोल को, अब आपको बताएंगे एमसीबी पोल में कैसा कनेक्शन हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा इसमें भी अपने को जो है बैलेंस करके दिया गया है थ्री फेस को, कनेक्शन को देख सकते हो आर वाई बी, और हमारा एक रेड में और एक फेस लोड ज़्यादा कर दिए, और देख सकते हो यहाँ पर हमारा तीनों फेस का जो डिवाइडेड करके यहाँ पर रखे हैं, और जो पोल आया है पहले बस बार से पॉइंट से आया है यहाँ हमारा एमसीबी में, देखिए ये हमारा एमसीबी में आया है डायरेक्ट डीपी में। डीपी के बाद हमारा देखिए यहाँ पर सिंगल पोल का एमसीबी आया है यहाँ पर, तो देखिए सामने वाले रिक्वायरमेंट यहाँ पर इनपुट तो कहीं नीचे से भी दे सकते हैं, आउटपुट ऊपर से भी दे सकते हैं, तो ये सामने वाले क्या किए यहाँ से जो है ऊपर से लेके आके यहाँ पर इनपुट किए, और देखिए यहाँ पर डिवाइडेड कर दिए तीन, यहाँ पर आर में पहले डाल बताते हैं आपको, आर वाला फेस में तीन डाल दिए, उसके बाद देखिए वाई वाला फेस में तीन एमसीबी, उसके बाद ब्लू वाले में तीन एमसीबी, तो ये डिवाइडेड कर दिए पहले से। अपने को खाली यहाँ पर जो है आउटपुट का जो वायर है एमसीबी पे लगाना है, ठीक है, और न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करेंगे वो भी बता देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक बस बार दिया गया है, यहाँ पर बस बार है, ये वायर जो हमारा ऊपर से आएगा, देख सकते हो यहाँ पर जो होल पॉइंट किए हैं यहाँ पर, यहाँ देखा यहाँ पर होल है पॉइंट में, तो हमारा पाइपलाइन होके यहाँ पे बाहर से अंदर में पॉइंट में आके न्यूट्रल जो है कनेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो पोल है हमारा एमसीबी का तो इसमें आउटपुट का पोल जो है नीचे से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे को एक डायग्राम बना के दिया गया है कंपनी वाले ने, डायग्राम ऐसे ही दे दिए हैं बना के, क्योंकि यहाँ पर पोल सेक्शन का वायरिंग जो दिए हैं देख सकते हैं आप। और इसके बाद ये वीडियो तो आपको यहाँ पर समझ आ ही गया होगा, और हम लोग कहाँ पर इसको लेके लगाने वाले हैं आपको वो जगह का भी रिव्यू बताते हैं, और कैसे तरीके से इसको यूज किए हैं वो भी बताते हैं। और जितना भी एमसीबी पोल में आपको देखिए यहाँ पर जितना भी एमसीबी पोल में इसको लक्स लगा के किया गया है, हर एक एक जिनिस को बारीकी से यहाँ लॉक लगा के किए हैं, देख सकते हो जितना भी पॉइंट सेक्शन है सब में लॉक्स लगाए हैं, क्योंकि यहाँ लॉक्स लगाने के बाद जो है स्पार्किंग नहीं होता। और देखिए यहाँ पर सिटी कोयल का यहाँ वायरिंग हुई सब डिटेल में दिया गया है, ये हमारा पॉइंट जो है ऊपर का सिटी कोयल का है 1 2 3, ठीक है, आर वाई वी तीनों का है, और तीनों फेस का हमारा देख सकते हो, उसके बाद न्यूट्रल है, और यहाँ पर जो पॉइंट है हमारा जितना भी कनेक्शन था यहाँ से आप वायरिंग करके यहाँ पर सिटी कोयल में गया हुआ, देखिए और पूरा जितना भी कनेक्शन को टाई मार के अच्छे तरीके से इसको बना गया है। देखिए दोस्तों आज का रिव्यू आपको समझ आ गया हो कैसे तरीके से पैनल जो बना है, और ये हमारा डेंजर बोर्ड का यहाँ पर पॉइंट भी दे दिया है 400, देखिए 440 वोल्ट यहाँ पर डेंजर भी लिखा गया है। और देखिए दोस्तों ये वाला जो पैनल है हम लोग कहाँ पर इंस्टॉलेशन करेंगे आपको बता देते हैं, वहाँ पर जो हमारा रिव्यू आपको बताते हैं कहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है। दोस्तों वीडियो पर न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। चलो आपको लेके चलते हैं हमारा पैनल जो फिटिंग करना है जहाँ पर इंस्टॉलेशन करना है, चलो लेके चलते हैं आपको वहाँ पर। ये दोस्तों यहाँ पर हमारा जितना भी कनेक्शन है वो जो हम लोग पैनल जो लगाने वाले यहाँ पर जो दुकान का शॉप का है, और देखिए यहाँ पर ये घर का है कनेक्शन, तो इसमें हमारा कनेक्शन है दुकान का पॉइंट, तो हम पहले इसको पता करेंगे कौन कौन सा वायर कहाँ का है, और उसके हिसाब से अपने को यहाँ पर जनरेटर कनेक्शन का भी चेंज वायर है, तो जितना भी कनेक्शन है हम लोग पैनल जो है यहाँ पर लगाने वाले हैं, जो हमारा पैनल जो आपको देखा है जिसके बारे में बताएं वो पैनल जो है यहाँ पर फिटिंग करेंगे, और ये घर का कनेक्शन में सबको डिवाइडेड करके अपन को निकालना है जितना भी कनेक्शन दुकान का है, दुकान वाला कनेक्शन है पॉइंट है हमारा, तो हमारे पास इसमें कनेक्शन करेंगे अलग, ठीक है, ये हमारा घर पे लोड है तो उसमें से हम लोग कनेक्शन पहले ढूंढेंगे। और देखिए यहाँ पर कितना सारा राइटअप पड़ा हुआ है पहले से है, तो हम यहाँ पर जो है पैनल लगाएंगे इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हम लोग ढूंढेंगे कौन सा वायर कहाँ का है, और यहाँ पर इन्वर्टर भी है दो, तो अपन दुकान का इन्वर्टर कौन सा है उसको पता करेंगे, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। ये इन्वर्टर तो अपने को पता चल गया है, ये हमारा दुकान का है, ये वाला घर का है, और हमारा जनरेटर कनेक्शन इधर का हमारा पॉइंट है, ये हमारा दुकान का है, तो इसमें हमारा पॉइंट है,
इस हिसाब से हम इसको डिसकनेक्ट करके यहाँ पर हमारा पैनल जो लगेगा, पैनल में हम लोग लेके आएंगे। जो पैनल आपको बताया, कौन सा पैनल आपको दिखाते हैं, देखिए ये हमारा पैनल है और हम लोग बाहर में लगाने का प्लान कर रहे थे तो वहाँ पर जगह में, क्योंकि वायर पहले से यहाँ पर कनेक्शन पहले से है हमारे पास, तो इस हिसाब से अपने को यहाँ पर लगाना है। इसको हम लोग नापे थे डब्बे के हिसाब से, इसका साइज हिसाब से अपने उनको नाप के रखे थे आपको बाहर का जो जगह के हिसाब से। तो अब हमारे पास कहीं भी लग जाएगा ये हमारा पैनल, तो ये वायर जो जितना भी पॉइंट था, जो हमारा जितना भी कनेक्शन वहीं पर है, तो हम क्या करेंगे वहीं पर लगाने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग जो कनेक्शन है हमारा मीटर बाहर में, तो वहाँ पर कटआउट जो है, ये कटआउट पहले लगा देंगे यहाँ का, ये कटआउट जो है मीटर के बाद हम लोग लगाएंगे, क्योंकि वायर जो है वहाँ से बहुत दूर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग तीन कटआउट बनाए और एक न्यूट्रल के लिए यहाँ पर कनेक्शन के लिए बनाएंगे, क्योंकि अपने को थ्री फेस में चार कटआउट नहीं चाहिए दोस्तों, उसका रीज़न है आप वीडियो देखोगे तो समझ आ जाएगा। हम लोग तीन कटआउट लगाएंगे, इसमें 100 एम्पियर का कटआउट है और लक्स वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लूज कनेक्ट नहीं करना है अपने को। उसके बाद जो है लगाने के बाद यहाँ पर हम लोग पैनल पे लेके आएंगे जो हमारे को लगाना है, कटआउट से इसी पैनल पे आएगा MCCB में, MCCB के बाद इसमें कनेक्शन हो जाएगा और उसके बाद आउटपुट में हम लोग MCB कनेक्शन देंगे। चलो आपको लेके चलते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, आपको लेके चलते हैं यहाँ पर हम जहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं। ये हमारा शॉप है, सोना का शॉप है, तो यहाँ पर लगा है हमारा थ्री फेस का मीटर, आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर सिंगल फेस था, यहाँ पर थ्री फेस लगा है, तो हम लगाएंगे पहले यहाँ पर कटआउट, जो हमारा आउटपुट वायर है यहाँ से आउटपुट वायर है। देखिए यहाँ पर दो ही वायर है, पहले सिंगल फेस का मीटर लगा था तो एक दो ही वायर है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर थ्री फेस का कटआउट जो लगाने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर हमारा वायर आया, उसी पे अपन आउटपुट लेके जाएंगे, कनेक्शन हमारा 6 mm का वायर है, इसमें लॉक से ही लगाएंगे और इसको पहले जाम कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे तरीके से इसको लगाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर थ्री फेस का कटआउट जो है हमारा फिटिंग हो गया, हम लोग स्टील खिलाम लगा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो तीनों फेस का है, उसमें जो हम लोग बस वायर लगाएंगे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर जितना भी है सडल लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट है हमारा सडल का, वो पॉइंट में करेंगे तीनों पॉइंट सडल में। और न्यूट्रल के लिए देखिए यहाँ पर हमारा पास ये है चीना मिट्टी का कनेक्टर, तो न्यूट्रल पोल में लगा देंगे, एक फेस का हम लोग आउटपुट का लगा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो थ्री फेस का मीटर का आउटपुट वायर है, और देखिए यहाँ पर हम लोग लक्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर अल्मोनियम का लक्स लगाना है। देखिए यहाँ पर अल्मोनियम का लक्स लगाना है, कैसे तरीके से लगाएंगे आपको बताएंगे। नॉर्मल ये न्यूट्रल वायर में नहीं, यहाँ पर रेड वायर में लक्स लगा चुके, उसके बाद येल्लो वाले में लक्स लगाएंगे, इसको कटिंग करेंगे। हम लोग यहाँ पर मार्किंग कर दिए हैं, देख सकते हैं आप मार्किंग की, उसके हिसाब से हम लोग कटिंग करेंगे, यहाँ कटिंग है। एक कन पीछे 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 हम लोग इसको मार्किंग किए थे, वहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसको PVC को बाहर करेंगे, ये PVC बाहर कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें जो है लक्स यहाँ पर पॉइंट है, उसको हम लोग बाहर कर रहे हैं, उसका PVC बाहर करने के बाद यहाँ पर देखिए 25 mm का हमारा केबल है, तो हम लगाएंगे यहाँ 50 mm का लक्स और उसको डबल करेंगे वायर को। देखिए इस तरीके से इसमें लक्स लगाना है, और इसमें दोस्तों यहाँ पर करंट है, अब ध्यान देके इसको करना, नहीं तो यहाँ पर हमारे को करंट लग सकता है। और हम अभी मैं देखिए यहाँ पर छू रहा हूँ इसको, देखिए यहाँ पर हमारा फेस आ रहा है, और देख सकते हो यहाँ पर हमारा डिजिटल टेस्टर है। आपको इसका लिंक चाहिए तो आप देख लेना, यहाँ पर हमारे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेस्टर का। और देखिए यहाँ पर हमारे टेस्टर में हमारा 220 आ रहा है, मतलब ये सप्लाई आ रहा है। और देखिए इसको मैं टच कर रहा हूँ, तो किस लिए देखिए यहाँ पर देख के करना, अगर मैं जूता पहना हूँ यहाँ पर, इसलिए मेरे को करंट नहीं लग रहा है। देख सकते हो यहाँ पर केबल मेन वायर है, और इसको हम लोग लक्स लगा रहे हैं डायरेक्ट कनेक्शन में। और हम लोग लाइन क्या है, खंबे का लाइन है, इसको कनेक्ट नहीं डिसकनेक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर देखिए सावधानी से इसको लक्स लगाना है यहाँ पर, और तीनों में लक्स लगाना है। पहले हम लोग रेड वाले में लगा दिए, उसके बाद येल्लो वाले में, उसके बाद ब्लू वाले में लगाएंगे। हमारा यहाँ पर हथौड़ी और प्लास से अभी कैसे तरीके से लगाएंगे आपको बताते हैं। देखिए ऐसे तरीके से इसको करना है और हथौड़ी में रखना है, और देखिए इस तरीके से पकड़ना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हथौड़ी और प्लास है, तो दो हथौड़ी चाहिए। उसके बाद हम इसको पंचिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर पंचिंग टूल्स चाहिए अपने को इसको पंचिंग करने के लिए, इसको पंचिंग करेंगे। और करंट है यहाँ पर, देख सकते हो हम लोग टेप मार दें इसमें। देखिए इस तरीके से यहाँ पर लग करना है, और देखिए यहाँ पर हमारा पंचिंग टूल। उसके बाद हम इसको टेपिंग करेंगे, जो हमारा येल्लो वाला टेपिंग है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको पंचिंग करने के बाद हम इसको टेप लगाते हैं, जो येल्लो वाला टेप है।
और दोस्तों ध्यान देके देखना, जैसे कि मैं छू रहा हूँ वैसे छूना नहीं। इसमें जो है करंट आपको पता है, अभी आपको दिखाया टेस्टर से, तो उसको जो अच्छे तरीके से टेप कर लेते हैं और जितना भी लक्स होगा उसको टेप जो है पूरा सीरियल वाई करेंगे, जैसे कि आर वाई वी का तीनों फेस का है तो हमारा तीनों फेस के हिसाब से इसको बनाना है। देखिए इस तरीके से टेप करना है इसको। अरे हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अल्मोनियम लक्स लग गया, या इसको टेपिंग कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और डबल फेस हो जाने से क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। दोस्तों यह हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, आपको पैनल का इंस्टॉलेशन जो है अभी वीडियो पे नहीं समझा सकता, तो आपको दूसरा पार्ट अब मेरा देखना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा पैनल जो है कैसे तरीके से लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, दूसरा पार्ट आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। और जितना भी कनेक्शन था दोस्तों यहाँ पर ये हो गया, हम लोग कटआउट लगाने के बाद जो है हमारा पैनल पर लेके जाएंगे। और दोस्तों हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया इसलिए जो आपको समझा नहीं पाए, तो आपको दूसरे पार्ट में 100% समझा देंगे। और वीडियो अच्छी लगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू।